हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक और आज मैं आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज़ रेज इन द नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम 2012 टू 19 फ्रॉम द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए, क्या स्टैंडर्ड रहा क्वेश्चंस का। और सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वन क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन के लिए तो कम से कम इंपॉर्टेंट है। तो आउट ऑफ 45 वन क्वेश्चन तो श्योर रहेंगे नीट एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में 18 में, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विच मिक्सचर ऑफ द सोल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल AgI और बाहर I- सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन देगा? तो देखिए I- बाहर एडजॉर्ब हो, I- बाहर एडजॉर्ब हो, या इस तरह से हम कहें, दूसरी तरह से हम लोग कहते हैं कि इन निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल, जैसे कि निगेटिवली चार्ज कोलाइड के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि AgI I- आपके स्फीयर के बाहर है, ठीक है। तो I- इज प्रिफरेंसली एडजॉर्ब्ड, I- प्रिफरेंसली एडजॉर्ब्ड हो रहा है सरफेस के ऊपर, और I- तभी एडजॉर्ब हो सकता है जब वो एक्सेस में प्रेजेंट हो। तो एक्सेस में प्रेजेंट होने का मतलब है कि जैसे दो तरह के मिक्सचर बनाए जा रहे हैं, एक है आपका AgNO3 और दूसरा है आपका KI। तो देखिए AgNO3 और KI अगर हम देखें तो AgNO3 प्लस KI इज इक्वल टू AgI प्लस KNO3। क्यों? ये आपका रिएक्शन होगा। अब इसमें अगर KI की मात्रा जहां एक्सेस में हो, एक्सेस होने का मतलब है कि दूसरे कंपोनेंट से ज्यादा हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स, या इस तरह से देखते हैं कि मोलरिटी के टर्म्स में दिया हुआ है। मोलरिटी होती क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब यहां पे आपको मोलरिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स उसी से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब एम इंटू वी कितना है? देखिए पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 50 ml 1 molar यानी 50, दूसरे में 50 ml 1.5, मतलब कि यहां पर 75 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स KI के। तो KI इसका मतलब है कि एक्सेस में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया कि KI एक्सेस में मिल गया आपको इन द कंपेरिजन ऑफ AgNO3। दूसरा ऑप्शन देखिए 50 ml ऑफ 1 molar AgNO3 और 50 ml ऑफ 2 molar KI, अभी तो KI और बढ़ गया, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन में भी एक्सेस में है KI। थर्ड ऑप्शन में देखिए 50 ml 2 molar तो 100 हो गया, और उधर भी दिया हुआ है तो उधर तो KI 75 आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन में KI कम है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए 50 ml 0.1 और 50 ml 0.1, मतलब दोनों बराबर हैं, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही हैं, पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है, ये 2019 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसको बढ़ने से पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। किस पे आपका आयन डिपेंड करता है? तो अगर आपको हार्डी सुलझे का रूल याद हो, तो हार्डी सुलझे के रूल में कहा जाता है कि द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन बोथ। किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, और दूसरा डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड और साइज दोनों पे, सॉरी साइन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन ही
आपका दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द एलोन, नो। दूसरा दिख रहा है साइज ऑफ द आयन एलोन, ये भी नहीं होगा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज द आयन कि कैसा साइन है। अब साइन का मतलब अगर आप पूछ रहे हो तो साइन का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कभी भी कोएगुलेशन करने के लिए अपोजिट चार्ज का होना बहुत जरूरी है, तो जब तक अपोजिट चार्ज नहीं होंगे कोएगुलेशन नहीं होगा, इसी को कहते हैं। साइन पे डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जैसे अगर कहीं तीन पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं, कहीं दो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो तीन का कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है, थर्ड ऑप्शन राइट होता है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन में डायरेक्टली लिखा हुआ है बोथ मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज द आयन। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा, दूसरा क्वेश्चन 2018 में पूछा है, ये थर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखिए कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, एंजाइम कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये तो सही है, बायोकेमिकल रिएक्शन को करेगा, एंजाइम्स जनरली लिविंग्स में ही मिलते हैं। कोएंजाइम इंक्रीजेस द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम इंक्रीजेस द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इंक्रीज करता है कोएंजाइम, या हम ये कहें कि कोएंजाइम अगर ना हो तो एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा। ठीक है, कोएंजाइम बिल्कुल उस तरह से वर्क करता है जैसे कि आपके पास मर्सिडीज़ है लेकिन आप मर्सिडीज़ चला नहीं सकते हो अनटिल अनलेस उसमें पेट्रोल ना हो या डीजल ना हो या हम ये कहें कि ऑयल ना हो। तो कोएंजाइम उस तरह से वर्क करता है कि हमारे पास मर्सिडीज़ है लेकिन हम जा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि जब तक कोएंजाइम नहीं होगा एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कोएंजाइम इंक्रीज द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, तो ये भी सही है, कैटलिस्ट कभी किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाया घटा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज चेंज्ड, जब कभी भी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि कैटलिस्ट अगर लगा है तो वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन रखता है, तो पहला ऑप्शन ही आपका मोस्टली इनकरेक्ट है, मोस्टली इनकरेक्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन कहा है कि कोएंजाइम इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इंक्रीज नहीं, अगर कोएंजाइम नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा। फिर भी पहला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएटली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आपको उसमें मोस्ट सुटेबल आंसर को चूज करना होता है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर पहला है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है द कोएगुलेशन वैल्यू इन मिली मोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ As2S3 आर गिवन, और उसमें पहला दिया हुआ है NaCl की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कोएगुलेशन वैल्यू दी हुई है 52, BaCl2 का दिया हुआ है 0.69 और MgSO4 का दिया हुआ है 0.22, और पूछ रहा है कि इनका कोएगुलेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा। देखिए कोएगुलेशन पावर क्या होता है, अगर कोई चीज पावर मतलब अगर हम बहुत बस ऐसे जैसे हनुमान जी की पावर के बारे में बात करें तो हनुमान जी केवल अपना हाथ लगाकर पर्वत उठा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी पावर ज़्यादा है और उनकी वैल्यूज कितना कम लगाया, केवल एक हाथ लगाया, और हम जो कि सामान्य मनुष्य हैं हम अपना पूरा जीवन लगा दें तब भी हम उस पहाड़ को नहीं उठा सकते। तो कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना कम वैल्यू लगाकर जितना अधिक से अधिक पावर ले सके। तो यहां पे क्या होता है, कोएगुलेशन पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। ठीक है,
तो कोएगुलेशन वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उसका कोएगुलेशन पावर कम होगा, और जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे कम है, अब सबसे कम कोएगुलेशन वैल्यू किसकी है, MgSO4 की, तो MgSO4 की सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। कोएगुलेशन पावर सबसे कम किसका हो जाएगा, कोएगुलेशन वैल्यू सबसे कम MgSO4 की है, इसलिए कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा इसका होगा। उसके बाद कोएगुलेशन पावर BaCl2 का होगा, उसके बाद कोएगुलेशन पावर आपका तीसरा दिया हुआ है NaCl का होगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड सी ऑप्शन, मतलब जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड सेकंड फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है सरफेस केमिस्ट्री से, देखिए पूछा हुआ है फॉग, फॉग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, फॉग एक कोलाइडल सोल्यूशन है, किस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है, सॉलिड इन गैस है, गैस इन गैस है, लिक्विड इन गैस है, गैस इन लिक्विड है। तो देखिए फॉग एक एग्जांपल है एरोसॉल का, इन विच डिस्पर्स्ड फेज, दो तरह के फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जिस तरह से हम लोग सोल्यूशन में कहते हैं कि डिस्पर्स्ड सोल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, उसी तरह से अगर कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं तो जिसकी मात्रा कम होती है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो क्वांटिटी ज़्यादा क्या होगी भाई, लिक्विड गैस, तो लिक्विड इन गैस, तो गैस इज अ डिस्पर्सन मीडियम जिसमें कि आपका लिक्विड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फॉग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट, लिक्विड इन गैस। तो नोट कर लीजिए लिक्विड इन गैस, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2016 के फेज वन में नीट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद द एडजॉर्प्शन, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एडजॉर्प्शन से मैच करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर निगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस आर निगेटिव बट डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा जी इज निगेटिव बट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा जी डेल्टा एच। आइए चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी कोई चीज़ एडजॉर्ब होती है, मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस पे किसी गैस को एडजॉर्ब होना है, मान लीजिए कोई गैस मॉलिक्यूल इस पे एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। एडजॉर्ब हो गया मतलब सरफेस ने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो रैंडमनेस उस मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो इस समय इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा, रैंडमनेस कम हो गई। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और जब डेल्टा एस निगेटिव हो गया, जब डेल्टा एस निगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया मतलब पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज के स्पॉन्टेनिटी के लिए, ये आपको पता है कि स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, ये निगेटिव होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, और ये निगेटिव वैल्यू तभी आ सकती है जब डेल्टा एच निगेटिव हो, बात समझ गए। तो डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो डेल्टा एस भी निगेटिव, सब निगेटिव, तीनों निगेटिव होने चाहिए। तो यही ऑप्शन अगर जहां पे आपको मिल जाए आप समझिए वही ऑप्शन सही है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल आर निगेटिव इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में यही होगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो मैं पहले रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो बिना चार्ज के आएगा नहीं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। दूसरा ऑप्शन टिंडल इफेक्ट कहीं से भी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये कोलाइडल पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं कम हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मूवमेंट पे शो करता है। कोएगुलेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज,
चार्ज अपोजिट होंगे तो कोएगुलेशन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस व्हेन द चार्ज मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड, तो वो भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चार्ज पर डिपेंड करता है, कोएगुलेशन भी चार्ज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन टिंडल इफेक्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा, जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, इन फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज, फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने कहा कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बाई एम। ठीक है, जिसमें ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेंट है, कितना मास एडजॉर्बेंट का लगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये पहले उन्होंने कहा था कि प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो एक्स बाई एम को जब ये किया गया तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के पी के पावर 1/n, और इसको उन्होंने कहा कि ये सब पे फॉलो होगा, उन्होंने कहा कि ये सब पे फॉलो होगा सारी तरह की चीजों पे। अब n की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अब इफ n इज इक्वल टू वन, अगर n इज इक्वल टू वन तो 1/n कितना हो जाएगा, 1/n इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू सॉरी 1, और इफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ये n इन्फिनिटी में है तो 1/∞ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 1/n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो फ्रेडरिक ने बताया कि इस 1/n की वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही होती है। ठीक है, फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बिटवीन 0 to 1 इन ऑल केसेस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मिटा लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीनिशियस इन नेचर, बिल्कुल सही, मोस्टली लिखा हुआ है और हमको पता है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसाइम, तो पहला ऑप्शन सही है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखा था। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाई अल्ट्रावायलेट रेज एंड एट हाई टेम्परेचर, हाँ प्रोटीन है तो हाई टेम्परेचर पर अल्ट्रावायलेट रेज से तो डीनेचर हो जाएगी। चौथा ऑप्शन, एंजाइम आर लिस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, नो, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि वहाँ पे वो मैक्सिममली एक्टिव होता है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर कि हमारे बॉडी के सारे एंजाइम मोस्टली एक्टिव रहते हैं, तो ये चौथा ऑप्शन इन्होंने इनकरेक्ट दे दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, 2012 में पूछा गया है, 10 में, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलोइड सॉल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, और प्रोटेक्टिव पावर हम लोग गोल्ड नंबर से डिफाइन करते हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है, तो गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव पावर को डिफाइन करती है इन द लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन दैट इज रेज्ड इन द नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम 2012 to 2019 फ्रॉम द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो इन द लास्ट थैंक्स टू ऑल, चैनल के साथ बने रहिए, मेरे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फेसबुक से, इंस्टा से, जिस भी साइट को आप प्रेफर करते हो सोशल साइट्स के लिए, उन पे आप इसको जो है शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच।